टेंट हुआ है, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो 14 सीटें हैं जो बीजेपी ने पिछली बार अच्छे खासे वोट मार्जिन से जीती है। कई सीटों पर बसपा ने चुनाव जीता था पिछली बार, लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। छठे चरण के मतदान को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और क्या कहते हैं वो आप जान लीजिए। चुनाव के छठे चरण में सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए आगे आएं। एक एक वोट मायने रखता है, आपका वोट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सब लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र तभी फलता फूलता है और जीवंत दिखता है जब चुनाव प्रक्रिया में जनता जनार्दन की बढ़ चढ़कर भागीदारी होती है। माताओं बहनों और बेटियों के साथ ही युवा वोटरों से मेरा विशेष आग्रह है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बार फिर से देशवासियों से अपील की है बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की। ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट किया है मतदान को लेकर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी कहते हैं कि सम्मानित मतदाताओं से मेरी अपील है, मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र के महापर्व में आपकी सहभागिता नए भारत में विरासत के सम्मान के साथ ही देश की विकास यात्रा को और समृद्ध बनाएगी। इसलिए आत्मनिर्भर विकसित भारत के निर्माण के लिए पहले मतदान फिर जलपान। तो आज देश की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और नतीजे 4 जून को सबके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले छठे चरण के मतदान के लिए पीएम के साथ ही सीएम योगी ने भी प्रदेशवासियों से वोट करने की अपील की है। बढ़ चढ़ के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। सीएम योगी जो कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही अपने प्रदेश में लोकप्रिय हैं, बल्कि आपने देखा कि छठे चरण और पांचवें चरण की वोटिंग से पहले वो और राज्यों की तरफ ज्यादा निकलते हुए नजर आए, चाहे ओडिशा, चाहे बिहार, चाहे राजस्थान, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र, हर जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड रही है और जनता से अपील उन्होंने की है कि पहले मतदान फिर जलपान। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, हमारे साथ मेहमान भी इस समय बने हुए हैं। दिनेश पटेल के पास चलते हैं, भदोही से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं, जल्दी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं। दिनेश, यहाँ से जो उम्मीदवारी है, तीन कैंडिडेट चुनावी मैदान में जो प्रमुख बताए जा रहे हैं, उसमें से एक कैंडिडेट जो है वो टीएमसी का है, समाजवादी पार्टी ने टीएमसी कैंडिडेट को टिकट यहां पर दे रखा है। कैसा चुनावी माहौल आपको नजर आ रहा है, क्या लग रहा है कि पिछली बार से रिकॉर्ड इस बार मतदान प्रतिशत के लिहाज से टूटेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, उससे साफ है कि इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो बहुत अच्छा रहेगा। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतार लोगों की लगी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं ललितेशपति त्रिपाठी, ममता बनर्जी की पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विनोद बिंद चुनावी मैदान में है और बसपा से हरिशंकर सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। अब देखना है कि भदोही लोकसभा क्षेत्र के जो 20 लाख मतदाता हैं वह किसको जीत दिलाते हैं, ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ है और अपनी वोटिंग का अपने वोट का बस इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए कि किन मुद्दों पे इस बार आप लोग मतदान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? विकास के मुद्दे पर। क्या सोचते हैं? बढ़िया सोचते हैं। सबका रिएक्शन लीजिए। इस बार दिख रहा है लोगों में, देख रहे हैं बड़ी लंबी लंबी लाइन, बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप क्या कहेंगे? ठीक है सब, बहुत ठीक, बहुत ही अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत। मतदान की अपील करने के लिए क्या कहेंगे? मतदान तो होगा, 100% होगा, कोई भी हो। क्या कहेंगे? लोकतंत्र का चुनाव में सभी लोग मतदान करके क्या कहते हैं बहुत अच्छा इसमें भागीदारी करें और क्या कहते हैं 100% मतदान करें, क्या कहते हैं जिससे कि क्या कहते हैं अपना उम्मीदवार चुन सकें लोग, और क्या कहते हैं अपने उम्मीदवार चुनेंगे तो जिससे कि उनको संतुष्टि मिलेगी, क्या कहते हैं जो सरकार में आएंगे उनके मुद्दों पर जो भी उनकी मांगे होंगी वो पूरी होंगी। ये आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ क्षेत्रों में जरूर ईवीएम में तकनीकी खराबी की समस्याएं आई थी, लेकिन कई जगहों पर इन समस्याओं को दूर कर लिया गया है और मतदान भदोही में सुचारू रूप से जारी है। जी बिल्कुल, भदोही में यही उम्मीद है कि इस बार देखिए बंपर वोटिंग होनी चाहिए और बड़े मार्जिन से कोई भी कैंडिडेट जीते वो बड़े मार्जिन से जीते। हमारे साथ काफी मेहमान इस समय मौजूद है, सहयोगी मौजूद है, उनके पास जाए। उससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत के लिए वोट देने की अपील की है।
पहले मतदान फिर जलपान। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करना हर नागरिक का अधिकार है, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो चाहे महल में रहने वाला हो, सबके वोट की कीमत एक ही है। वोट की ताकत को दिखाइए। मैंने अपना मतदान करने के लिए जैसे ही प्रस्थान किया, मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग भी घर से निकलिए और मतदान करिए, और मजबूत भारत के लिए, मजबूत सरकार बनाने के लिए, जो गरीबी है उस गरीबी से मुक्त भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकल करके जाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे हैं, इन्होंने भी वही अपील की है कि वोट जरूर करें और पहले मतदान करके आएं, फिर जलपान करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन ये बात वाकई में मानने वाली है कि पिछली बार से इस बार पोलिंग बूथ पर सुबह सवेरे ही ज्यादा लंबी लंबी कतारें लोगों की नजर आ रही है। बहरहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज पूरे देश में 7 राज्यों में 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है, हरियाणा में वोटिंग हो रही है, पश्चिम बंगाल की 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। तो आज बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही है। हरदीप सिंह पुरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो इस समय वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वीवीआईपी वोटर्स भी आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 की इस विंडो में, अब आप देखेंगे वो वीवीआईपी वोटर्स जो वोट करने के लिए पहुंच चुके हैं। पप्पू पांडे के पास चलेंगे, सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। पप्पू पांडे, आपने तो यहाँ मेनका गांधी से बात भी की थी, मेनका गांधी ने बहुत ही सदे अंदाज में कहा था कि भाई सुल्तानपुर की जनता जानती है कि उन्हें किसको वोट करना है, और अपनी जीत के लिए काफी आश्वस्त भी है मेनका गांधी। क्या लग रहा है कि हैट्रिक मारने वाली है? कैसा माहौल सुल्तानपुर में चुनावी? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से आज लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर मतदान के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख सकती हैं, ये सुल्तानपुर जिले का बनकेपुर बूथ है, जहां पर आप देख सकती हैं सुबह से ही लोग अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यहां पर पुलिस फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार अधिकारी भी भ्रमणशील हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो पूर्वांचल की बेल्ट है और पूर्वांचल के ही रास्ते दिल्ली की कुर्सी को पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आज बहुत महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान हो रहा है। और इस मतदान के पर्व पर जिस तरह से आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो कहीं ना कहीं लोग ठीक है। पप्पू पांडे हाफीपुर रहमान के पास चलेंगे, बस्ती से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे तस्वीरें भी दिखाने को कहेंगे। हाफीपुर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, लोगों का रिएक्शन भी लीजिए। आज शनिवार का दिन है, लोग बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, हर पोलिंग बूथ पर ऐसा ही नजर आ रहा है। कैसा नजारा बस्ती के किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं बस्ती के मेन कटरा बूथ पर मौजूद हूँ। और बस्ती लोकसभा सीट की बात की जाए, लोकतंत्र के महापर्व पर लोग सुबह 7 बजे से ही अपना वोटिंग शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पर लगभग 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 10 लाख पुरुष और 9 लाख महिलाएं हैं। और जो कैंडिडेट की बात की जाए, तो बीजेपी ने इस बार हरीश द्विवेदी को चुनावी मैदान में उतारा, जो पिछले 2 बार से लगातार सांसद हैं। और वहीं पे इंडिया गठबंधन की तरफ से राम प्रसाद चौधरी हैं, जो 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं। और वहीं पर जो बसपा ने लोकुश पटेल को अपना उम्मीदवार उतारा है, जो पहली बार चुनावी मैदान में है। तो कुल मिलाकर जो लड़ाई दिख रही है वहाँ पर इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी में, और इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। फिलहाल जो वोटिंग शुरू हो गई है सुबह 7 बजे से, अब मतदाता उनके भाग का फैसला करेंगे। तो आने वाले 4 तारीख को देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों को लेकर मतदाता अपना मतदान किए हैं। और पूर्वांचल की बात की जाए, तो पूर्वांचल जो है, नजर बनाए रखिए आप, और देखिए बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते अपने दर्शकों को बता देते हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है कि छठे चरण में कई दिग्गज मैदान में हैं, और सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनावी मैदान में एक बार फिर से हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हैं चुनावी मैदान में, पूर्व सीएम जगदम्बिका पाल भी हैं चुनावी मैदान में आजमगढ़ से ही, और दिनेश लाल निरहुआ हैं जो कि धर्मेंद्र यादव के साथ कह सकते हैं उनका मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है। एसबीएसपी निषाद पार्टी के कैंडिडेट भी आज चुनावी मैदान में हैं। अपना दल एस की प्रतिभा, प्रतिष्ठा और भविष्य की भी आप कह सकते हैं आज
बात यहाँ कि महत्वपूर्ण सीटें हैं आज गठबंधन के और पार्टियों के उम्मीदवारों की जिन पर वोटिंग हो रही है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल निरुवा, ये बीजेपी के सहयोगी दलों का आज भविष्य आप कह सकते हैं, वो भी ईवीएम में कैद होने वाला है। एसबीएसपी और अपना दल एस निषाद पार्टी के भी आज कैंडिडेट्स हैं जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने। प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और सौरभ मालवीय जी हमारे साथ हैं। एक एक जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। प्रमोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अच्छे विपक्ष का अभाव रहा है इस बार, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि हम तो इस बार बंपर जीत हासिल करने वाले हैं, और प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि विपक्ष अच्छा नहीं मिला है, उस बात की कमी खल रही है। कम से कम पिछले 10 वर्षों में तो यही देखा गया है। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि प्रतिपक्ष जिसको कहा जाता था उसने स्वयं को विरोधी दल कहना शुरू कर दिया, और विरोधी दल कहने के नाते हर बात पे विरोध करने का ऐसा जुनून सवार हो गया कि रचनात्मक एवं सकारात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का अपना जो नैतिक कर्तव्य था उसमें कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष के लोग पीछे रह गए। राष्ट्रहित से जुड़े हुए विषयों पर, राष्ट्र की उन्नति एवं जनता के भलाई से जुड़े हुए विषयों पर तो कम से कम एकता होनी ही चाहिए। चुनाव एक अवसर होते हैं, उत्सव होते हैं, लोकतंत्र में एक बार आते हैं, उसके बाद जय पराजय के बाद सरकार कोई भी हो, यदि वो राष्ट्रहित में काम करती है, कदम उठाती है, तो उसमें सहयोग करना चाहिए, और अगर कहीं पर कोई कमियां हो तो उसमें अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए आलोचनाएं भी करनी चाहिए, अपना योगदान भी। सौरभ जी, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई इंटरव्यूज दिए और इंटरव्यूज में एक बात बहुत ही कॉमन रही कि जो अच्छा विपक्ष जो सरकार को चुनौती दे सकता था, कड़ी टक्कर दे सकता था, उसी का अभाव रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 को जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी टीम भी बहुत अच्छी मिली है और विपक्ष की टीम भी बहुत अच्छी मिली है। मेरी टीम तो काम कर ही रही है, लेकिन विपक्ष, अच्छे विपक्ष का अभाव होने के चलते हमें कोई टक्कर ही नहीं दे पा रहा है। सौरभ मालवे जी, देखिए निश्चित तौर पर लोकतंत्र में विपक्ष का होना लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना सत्ता के होना है, क्योंकि सत्ता यदि विपक्ष के परिसर में, प्रभाव में नहीं आती है तो फिर निरंकुश हो सकती है, सत्ता फिर मनमानी कर सकती है। इसलिए लोकतंत्र में कहा गया है कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष कैसा है, तो विपक्ष की जब हम देखें, एक समीक्षा करें, जो प्रधानमंत्री एक कटाक्ष भी उसमें कर रहे हैं कि हमारी टीम तो अच्छी मिली, यानी हम अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी बार आ गए हैं, पर विपक्ष के पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, ये बार बार वो हमला कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सच है। आप देखिए इंडिया गठबंधन, यानी पूरे देश में चुनाव दो हिस्से में चला गया, पहला हो गया कि मोदी वर्सेज ऑल, तो ये लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रीय दलों का लीडरशिप बाहर आना चाहिए। राष्ट्रीय, अब यदि हम देखें कांग्रेस के लिए, तो राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जितने वर्षों तक लगातार पार्टी के संगठन में पदाधिकारी रहे, यानी उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे, तो लगातार चुनाव हारते गए, राज्य हाथ से निकलता गया, बड़े नेता उनके हाथ से निकलते गए, दल से छोड़ते गए, बाहर चलते गए, ये तमाम चीजें विपक्ष को कमजोर करती हैं। ऐसे में लगातार केंद्र में सपा का मजबूत होना तो अभाव में है, राज्य में से बाहर जाना ये अभाव की बात है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों की देखें, महाराष्ट्र में देखें आप, सभी बिहार की देखिए, इंडिया गठबंधन में बिहार से नीतीश कुमार आते हैं, फिर एनडीए में शामिल हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का ये जो दावा है ये धरातल की बात है, ये वास्तविकता है। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और मजबूत विपक्ष ही देश के तमाम चीजों में अपनी भूमिका निश्चित कर सकता है। सौरभ मालवीय जी लौटूंगी, लेकिन पीएम मोदी ने न्यूज 18 को जो मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा है कि विपक्ष के गठबंधन में 3 चीजें कॉमन है, सांप्रदायिकता, जातिवाद और परिवारवाद। सुनिए पीएम क्या बोले। चुनाव प्रचार में समाज में वोट के लिए दरार पैदा करने की कोशिश की गई, कैसे? मैं अब जैसे राहुल गांधी का एक बयान आया, उन्होंने बोला है कि मैं जब से पैदा हुआ हूं
सिस्टम को मैं समझता हूं, किसको अटैक करना है, किसको टारगेट करना है, मैं ही सिस्टम हूं। और सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ अलाइंड है। मुझे जो आपत्ति व्यक्तिगत तौर पर लगी, उन्होंने इस बार जुडिशियर और मिलिट्री को भी नहीं छोड़ा, वो भी लोअर कास्ट के खिलाफ अलाइंड है। ये बयान जब आप सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है सर? मैंने जितना इस विषय में सोशल मीडिया में मेरी नजर गई है, ये उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो उन्होंने अपने फैमिली का रिपोर्ट कार्ड रखा है, क्योंकि उनका ही परिवार 60 साल तक देश में सरकार चलाई है। तो ये जो कुछ भी बातें कर रहे हैं वो अपने फैमिली के सोच विचार आचार उसी की बात दुनिया को बता रहे हैं वो। तो एक प्रकार से तो अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भाई ऐसे लोग हैं, अब आप बच के रहो। दूसरा विषय है जी, मैं देखता हूं देश में राजनीति करने का कुछ सरल रास्ते जो लोगों ने खोजे हैं, और जिसमें इंडी अलायंस के करीब करीब सभी पार्टियां फंसी हुई हैं या उनको वो सूट करता है, तीन चीजें प्रमुख रूप से उभर करके आती हैं। एक, ये घोर सांप्रदायिक लोग है, सेक्युलरिज्म का चोला पहना है उन्होंने, बुरखा पहना है, लेकिन वो कम्युनल ही है। वे उनके लिए हर चीज देखते ही कोई भी आइडिया आता है तो कम्युनल फ्रेम में ही आता है उनको, उसके बारे में उनको कुछ आता ही नहीं। दूसरा, ये घोर जातिवादी है। तीसरा, वो एक घोर परिवारवादी है। ये तीन चीजें ये सभी कुनबे जो इकट्ठे हुए हैं इनके कॉमन है, उसमें कोई आप मैं कहता हूं उसको टिक मार करके देख लीजिए, आपको मिलेगा ऐसा ही है। और समस्या की जड़ यही है, और इसलिए ये आज नहीं पहले भी उन्होंने ऐसे ही कहा है, और जब चाहे वो बदला है उन्होंने। तो अच्छे विपक्ष का भाव तो है ही, और बाकी कई और सवाल जिनके जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकी से दिए हैं।